मुंबई में 65 साल के शख्स को इश्क करना दरअसल काफी भारी पड़ गया है। मुंबई में 65 साल के बुजुर्ग का सेक्सट्रॉशन कर एक महिला ने 2 महीने में 60 लाख रुपए की उगाही की है। 60 लाख रुपए लेकर महिला फरार हो चुकी है। महिला के सामने सब कुछ लुटाने के बाद पीड़ित बुजुर्ग ने अब पुलिस में शिकायत दी है। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपी महिला के मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट के आधार पर मामले की जांच कर रही है। आरोपी महिला मैट्रिमोनियल साइट के जरिए पीड़ित बुजुर्ग के संपर्क में आई थी, इसलिए पुलिस ने आरोपी महिला के संबंध में मैट्रिमोनियल साइट से भी जवाब मांगा है। पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। 65 की उम्र में वो अकेलापन महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपना अकाउंट बना लिया। इसी दौरान एक महिला उनके संपर्क में आई। कुछ दिन इस साइट पर चैट करने के बाद दोनों ने अपना मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर एक दूसरे को दिया और जब मौका मिलता फोन पर चैट करते, बातें करते। दोनों एक दूसरे से शादी करने को भी तैयार थे, इसलिए कई बार उन्होंने महिला के साथ वीडियो कॉल पर सेक्स चैट भी किया। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी महिला ने एक दिन चुपके से उनका अश्लील वीडियो बना लिया और उसी को लेकर ब्लैकमेल करने लगी। पीड़ित बुजुर्ग ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी महिला ने पहले उन्हें अश्लील वीडियो भेजी, फिर धमकी दी कि इस वीडियो को वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगी। यही नहीं, आरोपी महिला ने बताया कि वो उनके मोबाइल के सारे कॉन्टैक्ट कॉपी कर चुकी है, इस वीडियो को वो उन सभी कॉन्टैक्ट्स पर भेज देंगी। इसी प्रकार आरोपी महिला ने उगाही शुरू कर दी और अगले 2 महीने में उसने 60 लाख से भी ज्यादा रुपए ले लिए और सारे 60 लाख रुपए लेकर फरार हो चुकी है।